बात अब एक और सैलाब की करेंगे। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में उमड़ा है सैलानियों का सैलाब। लॉकडाउन की वजह से करीब 1.5 साल तक घरों में कैद रहे लोग पाबंदी हटते ही सुकून की तलाश में हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि हिमाचल के रास्तों पर सैलानियों की वजह से जाम लगने लगा है। कोरोना काल की लंबी पाबंदियों को झेलने के बाद ये तस्वीरें सुकून देने वाली हैं। कोरोना का खौफ भूलकर शिमला में मस्ती करते सैलानी। दिल्ली और उत्तर भारत की गर्मी से भागकर हिमाचल में सुकून के कुछ पल ढूंढते सैलानी। शिमला हो या मनाली, सोलन हो या कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश इन दिनों टूरिस्टों का स्वर्ग बना हुआ है। बहुत एंजॉयमेंट कर रहे हैं हम लोग, मौसम भी बहुत अच्छा है यहाँ का, बिल्कुल ठंडा हो रखा है जैसे कि सर्दी में होता है हमारे आगरा में। बिल्कुल नहीं सोचा था मैंने यहाँ के, ये सोच रहा था शायद ही एक आध दो, कुल भी सोचने में ये नहीं आ रहा था कैसे जाए और घूमेंगे क्या, सब कुछ बंद होगा, लेकिन यहाँ के तो ऐसा लग रहा है हमने बिल्कुल सही किया यहाँ आने का फैसला। शुक्र है शुक्रवार है, वीकेंड आ गया है, लिहाजा दिल्ली और आसपास के इलाकों से सैर सपाटे के शौकीनों का काफिला हिमाचल की तरफ मुड़ गया है। टूरिस्टों की तादाद इतनी है कि हिमाचल के रास्तों पर जाम लगने लगा है। पर्यटकों के सैलाब से परवाणु से लेकर शिमला तक पिछले कई दिनों से कई जगहों पर जाम लगने की तस्वीरें आ रही हैं। लॉकडाउन की वजह से पिछले करीब 1.5 साल में खाली सड़कें देखते देखते ये तस्वीरें हैरान करती हैं। ये तस्वीर कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर चंबा घाट की है, जहां गाड़ियां कल रेंगती हुई नजर आई। सलोगड़ा और मंसार में भी यही हाल है। आम तौर पर जाम लोगों को परेशान करती है, लेकिन लंबे समय तक घरों में कैद रहे लोगों के लिए राहत के इस पल को पाने के लिए कोई भी परेशानी उठाना कम लग रहा। आफ्टर अराउंड 2 ईयर्स हम लोग निकले हैं बाहर, क्योंकि ड्यूटी कोविड नहीं निकल पा रहे थे। अच्छा लग रहा है घर रह रहे कि भी बच्चों का थोड़ा एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ और कुछ पता नहीं लग रहा, कहीं बाहर नहीं घूम रहे हैं तो उनका थोड़ा सा एटीट्यूड थोड़ा सा खराब हो रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा चेंज तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो एक डे स्पेंड करने के लिए हम आए हैं, ताकि थोड़ा सा बच्चों को भी चेंज हो सके और हमें भी चेंज हो सके। हिमाचल के अलग अलग इलाकों में पहुँचने के लिए सैलानियों की लाइन लगी हुई है। हजारों लोग पहले ही शिमला और मनाली पहुँच चुके हैं, हालांकि अभी भी होटलों के 30-40% कमरे ही भर पा रहे। पिछले हफ्ते करीब 10,000 लोगों ने ई पास के लिए आवेदन किया था, लेकिन सिर्फ 3,000 लोगों को मंजूरी मिली, 7,000 लोगों का आवेदन खारिज हो गया। पर्यटन हिमाचल प्रदेश का मुख्य उद्योग है, लिहाजा अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए हिमाचल सरकार ने हाल ही में कोविड नियमों में कुछ ढील दी थी। इसी के बाद यहाँ टूरिस्टों का काफिला उमड़ा है, लेकिन सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो कोरोना प्रोटोकॉल को किसी भी सूरत में न तोड़े। हमको मान के चलना पड़ेगा कि कोविड का ये दौर अब पूरे देश में थमता जा रहा है, और हिमाचल प्रदेश में भी मामलों में काफी तेजी से गिरावट भी आई है। एक्टिव केस हमारा जो 40,000 से पार चला गया था, वो 4,000 की रेंज में आ गया है, लेकिन फिर भी इसका अभिप्राय ये नहीं है कि हमको सावधानियां बरतने से जो है उसमें लापरवाही करनी चाहिए। हमको सावधानियां आज भी बरतनी होंगी, और ये भी हमको मान के चलना पड़ेगा कि बहुत लंबे समय तक चीजों को बंद रखा नहीं जा सकता है। कहीं सैलानियों की वजह से हिमाचल कोविड का अड्डा न बन जाए, लिहाजा ट्रैफिक पुलिस प्रोटोकॉल तोड़ने वालों पर सख्ती कर रही है। नियम तोड़ने वाले करीब 8,000 लोगों से जुर्माने के रूप में 52 लाख वसूले जा चुके हैं। लोगों पर नजर रखने के लिए शिमला में 9 और ग्रामीण इलाकों में 27 बैरिकेड लगाए गए हैं। अकेले शिमला शहर में 51 पेट्रोलिंग पार्टी लगाई गई है, जो कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने वालों पर नजर रख रही है। मनाली से राजेश शर्मा के साथ मंजीत सहगल, शिमला आज तक।